दोस्तों, मैं बेंचो मेकर अशोक भाई पटेल और मेरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं एम्पलीफायर बेंचो बजाने के लिए एम्पलीफायर के साथ डिजिटल इको मिक्सर कैसे सेटिंग करें इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो चलो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये एम्पलीफायर है मेरे पास आहूजा का और ये डिजिटल इको मिक्सर है बॉस का, तो उसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो इको मिक्सर है मेरे पास, इनमें ये इनपुट का 4 फंक्शन दिया हुआ है माइक के लिए, 1, 2, 3 और 4, और ये 2 लेफ्ट और राइट चैनल आउटपुट का है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आप बेंचो देख सकते हैं, इस बेंचो में से मैंने कनेक्शन दिया है वो तार, मैंने यहाँ माइक का इनपुट में हमने दे दिया है और आउटपुट का लेफ्ट वाला चैनल में से मैंने यहाँ एम्पलीफायर का माइक में, माइक वन में मैंने दे दिया है कनेक्शन दोस्तों। और हमने जो सेटिंग किया है जो एम्पलीफायर का बटन, मैं आपको बताता है कैसे सेटिंग किया है। तो गेन को मैंने रखा है 6 पर, 6 से कम है और 6 और 5 के बीच में मैंने गेन रखा है, और बास का बटन मैंने 4 पे रखा है, 4 पे, और ट्रेबल का मैंने 6 पर रखा है, और इफेक्ट का जो बटन है मैं 4 पे रख के, और इफेक्ट का जो स्विच आता है उसको मैंने 8 पर रख दिया है, 8 पॉइंट पर, 8वां पॉइंट पर मैंने रखा है। तो ये इनपुट का फंक्शन मैंने बता दिया, फिर से हम बताते हैं। गेन को रखा है 5 और 6 के बीच में, बास को रखा है मैंने 4 पे, 4 पे, ट्रेबल को रखा है मैंने 6 पे, और इफेक्ट का बटन है उसको 4 पे रख के मैंने ये इफेक्ट का फंक्शन को मैंने 8 पे रख दिया है। ऐसे जो इको का है तो उसको इको का मैंने 4 पे रखा है रिपीट को, और डिले को मैंने 3.5 पे रखा है, 3 और 4 के बीच में। तो ये डिले, इको डिले का सेटिंग है और उसका इफेक्ट है जो वो हमने 7 पे रखा है दोस्तों। फिर ये उसका जो मास्टर है दोस्तों, मास्टर बटन को मैंने 6 पर रखा है, वो लेफ्ट वाला है एक ही चैनल का, तो मैंने 6 पर रख दिया है, और उसका जो बटन का जो इफेक्ट रहता है उसको मैंने 9 पर रख दिया है। तो दोस्तों, ऐसे कनेक्शन मैंने किया है और कैसे बजता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए, इसका कौन कैसा रहता है हम आपको बजा के बता देता है। देख सकते हैं, उसका आवाज़ ऐसे सेटिंग करने का, और डिजिटल इको मिक्सर और एम्पलीफायर का सेटिंग ऐसे रखने का, तो बेंजो का टोन अच्छा रहता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों।